नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है साथियों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित किया गया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है सबसे महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ में बारह पदों में शिक्षकों की भर्ती होनी है विगत कुछ वर्षों से बहुत सारे छात्र छात्राएँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी दिनों से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार था अब इंतजार खत्म हो गई है जल्द ही छत्तीसगढ़ में बारह हज़ार चार सौ नवासी पदों में भर्ती ली जाएगी सरगुजा और बस्तर संभाग में यह भर्ती लिया जाएगा जिसमें सहायक शिक्षक छः हज़ार दो सौ पचासी शिक्षक पाँच हज़ार चार सौ बहत्तर और व्याख्याता के चार सौ बत्तीस पदों में भर्ती ली जाएगी आपने मेरे से सवाल पूछा था कि क्या हम दूसरे संभाग से हैं या दूसरे जिले से हैं तो क्या हम फॉर्म फ़िलअप कर सकते हैं तो इसका जवाब है जी हाँ आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि आपका सलेक्शन होता है तो जहाँ पद खाली है बस्तर और सरगुजा संभाग में या बस्तर और सरगुजा संभाग के जिले में वहाँ आपको नियुक्ति दिया जाएगा तो सरगुजा संभाग में कोरिया बलरामपुर सूरजपुर जसपुर अंबिकापुर और भरतपुर मनेंद्रगढ़ जो अभी नया जिला बनने वाला है वहाँ सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और वही बात करें बस्तर संभाग में तो बस्तर संभाग में सात जिले आते हैं कोंडागांव कांकेर बस्तर नारायणपुर दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर यहाँ सहायक शिक्षकों के लिए अलग अलग जिलों में भर्ती लिया जाएगा अब इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि सहायक शिक्षकों के लिए विषय बाध्यता को खत्म कर दिया गया है जो पिछले बार नहीं किया गया था इस बार कला और विज्ञान संकाय वाले प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं अर्थात सहायक शिक्षक कला या सहायक शिक्षक विज्ञान हो सकते हैं शिक्षक जिसकी भर्ती संभाग स्तर में की जाती है उसके पाँच हजार सात सौ बहत्तर रिक्त पद हैं तो इसमें सरगुजा संभाग में और बस्तर संभाग में भर्ती ली जाएगी व्याख्याता के चार सौ बत्तीस पद हैं जो दोनों संभाग में भर्ती लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं और विगत कुछ वर्षों से जिन्होंने शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है उन्हें प्रत्येक वर्ष दो अंक बोनस दिया जाएगा तथा अधिकतम दस अंक बोनस देने का निर्णय लिया गया है अब यहाँ पर ये बोनस अंक का या बोनस अंक देने का जो नियम है वो समझ से परे हैं समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो भर्ती ली जाएगी वो तो व्यापम द्वारा ली जाएगी जो जितना ज़्यादा रैंक लाएगा जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन पहले होगा तो ये बोनस अंग देने का जो माजरा है वो समझ नहीं आ रहा है यदि आपको समझ आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं